42 इज हियर अभी वादा नाप का इस नए वीडियो में। जैसी आपकी त्वचा वैसे ही प्रॉब्लम्स। अगर बात ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन की की जाए तो उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आपको ऐसे फेस वॉश की आवश्यकता होती है जो सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करके एक्ने ना बनने दें और अगर मुहासे हैं तो उन्हें दूर करने में मदद करें, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को कम करें। आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखकर मैंने चुने हैं आपके लिए 5 बेस्ट ऑर्गेनिक फेस वॉश ब्रांड्स। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। इस वीडियो में मैंने जिन भी ब्रांड्स के बारे में बात की है उनको बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स जैसे आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव, फ्रेग्रेंसेस, पीईजी, पॉलीसॉर्बेट और फिनॉक्सीएथेनॉल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इन सभी प्रोडक्ट्स को 12 साल से ज्यादा उम्र के मेल और फीमेल इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं नंबर 5 के ब्रांड के बारे में। इसका नाम है रस्टिकार्ट नीम बेसिल फेस वॉश कंसंट्रेट और लिक्विड। इस प्रोडक्ट में नीम का तेल एक्ने से लड़ने के लिए, तुलसी, लेमन ग्रास और लेवेंडर एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल सूजन और रेडनेस को रोकने और प्रदूषण से होने वाले नुकसान को बचाने के लिए किया गया है। यह एक सपोनिफाई फेस वॉश है, इसीलिए इसके इस्तेमाल के बाद आपको टोनर का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने स्किन टाइप के लिए कौन सा टोनर आपको इस्तेमाल करना चाहिए इसके बारे में आप मेरा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं नंबर 4 के ब्रांड के बारे में जो है हर्ब साइंस का रिवाइटलाइजिंग प्रो कोलेजन फेस वॉश। 3 खूबियों की वजह से मैंने इस प्रोडक्ट को नंबर 4 पर रखा है। पहला है, यह एक 100% आयुर्वेदिक फेस वॉश है। इसे बनाने के लिए उशीरा, एलोवेरा, हरिद्रा, संतरा और मजिस्ता जैसी हर्ब्स का उपयोग किया गया है। ये इंग्रेडिएंट्स त्वचा के कायाकल्प और एंटी एजिंग गुण के लिए जाने जाते हैं। दूसरा, यह जेंटल क्लेंजिंग करता है। इस फेस वॉश को डीप क्लेंजिंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, यह सॉफ्ट क्लेंजिंग करता है। इसीलिए इसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए जिनकी स्किन ऑयली और उम्र 40 से ज़्यादा है या स्किन कॉम्बिनेशन है। इसका तीसरा फायदा है एंटी एजिंग बेनिफिट्स। इस फेस वॉश में ऐसे तत्व हैं जो त्वचा में प्राकृतिक कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो त्वचा को मजबूती और लचीलापन देता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कोलेजन का उत्पादन स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है जिससे झुर्रियां और उम्र बढ़ने के अन्य लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। हर्ब साइंस का फेस वॉश इस प्रक्रिया को धीमा करने और त्वचा को जवान और चमकदार बनाए रखने में मदद कर सकता है। फेस वॉश जो भी पसंद आए वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब आइए बात करते हैं टॉप 3 ब्रांड्स के बारे में। नंबर 3 पर मैंने रखा है स्ट्रिक्टली ऑर्गेनिक्स चारकोल फेस वॉश पाउडर को। इसे भी 3 अच्छी वजहों से मैंने नंबर 3 पर रखा है। पहला है फ्रेंच ग्रीन क्ले। यह एक शक्तिशाली डिटॉक्सिफायर त्वचा से अशुद्धियों को बाहर निकालता है जिससे त्वचा साफ और चमकदार हो जाती है। यह पोर्स को भी टाइट करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे रंगत में निखार आता है। दूसरा है एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। चारकोल अपने डीप क्लेंजिंग गुणों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रभावी रूप से विषाक्त पदार्थों, त्वचा की सतह से गंदगी और तेल को हटाता है जिससे एक ताजा और चमकदार चेहरा मिलता है। और इसका तीसरा फायदा है एलेंटोइन और प्राकृतिक बिटाइन। एलेंटोइन त्वचा की जलन को शांत करता है, बिटाइन हाइड्रेशन देता है, इसीलिए इस फेस वॉश का उपयोग करने से त्वचा नर्म और कोमल महसूस होती है। इस फेस वॉश की एक और बहुत बड़ी खूबी है कि इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल या आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं मिला हुआ है। इसीलिए प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के साथ सभी उम्र के महिला और पुरुष इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका दाम भी सबसे कम है। यह पाउडर फॉर्म में जरूर आता है और चलता भी खूब है, लेकिन इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे पर कालापन आएगा। यह आम फेस वॉश जैसा ही है, सिर्फ ड्राई है। थोड़ा सा अपने हाथों पर लीजिए, पानी मिलाइए और चेहरे पर लगाकर फेस वॉश जैसा उपयोग कीजिए। अब आइए बात करते हैं नंबर 2 के ब्रांड की। नंबर 2 पर मैंने रखा है द मॉम्स को ग्रीन टी फेस वॉश। इसे भी 3 फायदों की वजह से मैंने नंबर 2 पर रखा है। पहला है डीप क्लेंजिंग।
इस फेस वॉश को बनाने के लिए ग्रीन टी, नियासिनामाइड और काउलिन क्ले जैसे इंग्रेडिएंट्स का उपयोग किया गया है, जो एक साथ मिलकर त्वचा से प्राकृतिक तेलों को सुखाए बिना चेहरे से गंदगी, सीबम और अशुद्धियों को हटाते हैं, जिससे त्वचा साफ, ताजा और चमकदार महसूस होती है। इसका दूसरा फायदा है सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करना। इस फेस वॉश में मिला नियासिनामाइड एक्सेस सीबम प्रोडक्शन को नियंत्रित करके एक्ने ब्रेकआउट्स को रोकता है। और तीसरा फायदा है हाइड्रेशन देना। मॉम्स को ने इस फेस वॉश में एलोवेरा मिलाया हुआ है। यह एक नेचुरल हाइड्रेटर है और सूदर का भी काम करता है। यह त्वचा को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, साथ ही स्किन को ड्राई और इरिटेटेड होने से भी बचाता है। इसीलिए मॉम्स को के ग्रीन टी फेस वॉश से चेहरे की गहरी सफाई होती है, सीबम प्रोडक्शन कंट्रोल होता है और इससे स्किन ड्राई या इरिटेटेड भी नहीं होती। अब आइए बात करते हैं नंबर वन ब्रांड के बारे में, जो है बायोक्यूल का ऑयल क्लियर होमिंग फेस वॉश। तीन वजहों से ये भी है नंबर वन पर। पहला है एक्सफोलिएशन और पुनर्जीवन। इसमें मिले बिलो बार्क एक्सट्रैक्ट से स्किन को सैल्सिलिक एसिड मिलता है। गन्ना, संतरा, नींबू और सुगर मैपल के संयोजन से प्राकृतिक रूप से अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड प्राप्त किया गया है, जो त्वचा को धीरे से एक्सफोलिएट करते हैं, जिससे त्वचा का रंग चमकदार होने के साथ उसे पुनर्जीवन भी मिलता है। दूसरा फायदा है एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन का। इसमें मिली ग्रीन टी त्वचा को एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करती है, जो त्वचा को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। साथ ही नाशपाती के फलों का अर्क त्वचा को पोषण प्रदान करता है। और इसका तीसरा फायदा है हाइड्रेशन और सूदिंग। इसमें ग्लिसरीन और बिटाइन नमी को बरकरार रखने के लिए मिलाया गया है। इसमें मिला एलोवेरा त्वचा को शांत और सूदिंग करता है। साथ ही लेमन ग्रास ऑयल फ्रेशनेस का अनुभव कराने के साथ एक्ने पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मारते हैं। इसीलिए बायोक्यूल के फेस वॉश का उपयोग करने से एक्सफोलिएशन होगा, त्वचा की गंदगी बाहर आ जाएगी, सैलिसिलिक एसिड ऑयल प्रोडक्शन को बैलेंस करेगा और एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को पोषण देंगे। सबसे अच्छी इंग्रेडिएंट क्वालिटी की वजह से यह प्रोडक्ट है नंबर वन पर। तो आज का यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। मुझे उम्मीद है ये पांचों फेस वॉश ब्रांड्स आपकी ऑयली स्किन की प्रॉब्लम्स को आसानी से मैनेज करने में आपकी मदद करेंगे। अगर इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।